हर हर गंगे हर हर महादेव, हर हर गंगे हर हर महादेव, हर हर गंगे हर 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 गंगे हर हर महादेव, हर हर गंगे हर हर गंगे, ओ गंगा सिंधु सरस्वती जय यमुना गोदावरी नर्मदा कवेरी सरयू महेंद्र तानिया चरवाम्बदी धैर्य शिप्रा भेत्रावत महासुरनाथी ख्याता जय गंडकी पूर्णा पूर्णा चले सुमंत सहिता हर हर गंगे हर हर महादेव, जय हो कैलाश्वरी हर हर गंगे हर हर महादेव, हर हर गंगे हर महादेव, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, नमो नारायण, ओम नमो, ओम गंगे हर महादेव, हर जल हर गंगे हर महादेव, ओ आत्मा था हिली के कृष्ण हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय, 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 सो गाइज वीडियो आपने देखी, वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कुछ लोग यहाँ पे गए होंगे, कुछ लोग जो नहीं गए होंगे उनको मैं बता दूं, ये है मणिमहेश जहाँ पे भोलेनाथ तपस्या किया करते थे। तो ये जो बाबा है, आपको पता है कि बाबा बर्फ के पानी से यानी कि नहा रहा है, आपने लाइन की जो वीडियो देखी उस पर बर्फ के पानी से जो बर्फ का पानी ऊपर फेंक रहा है लेकिन उफ तक नहीं कर रहा है। अगर हमारे जैसा नॉर्मल इंसान एक यानी कि जग भी पानी को अपने ऊपर डाल ले तो मुझे नहीं लगता उसकी हालत क्या हो जाएगी। सो इस बाबा को भगवान शिव की कृपा है इनके अंदर, इनके ऊपर जो कृपा है भोलेनाथ की, तो आप देख ही रहे हैं। तो मेरे पास ये वीडियो काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। और कौन कौन यहाँ गया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपको पता है कि मणिमहेश यात्रा काफ़ी यानी कि जानी मानी यात्रा होती है मणिमहेश की। इस बार COVID-19 की वजह से ये जो यात्रा नहीं हो पाई, मैं भी 2-3 बार वहाँ पे जाके आया हूँ लेकिन इस टाइम पे नहीं, जिस टाइम पे बाबा आपने देखा कि उस टाइम ये जो झील आपने देखी है ये पूरी यानी कि पानी की झील है जो इस टाइम पूरी यानी कि बर्फ से जमी हुई है। ये बाबा यहाँ पे अकेला रहता था। 2-3 वीडियो और भी यानी कि जो बर्फ की गुफा में यानी कि ये रहते थे वो भी वीडियो में आपको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें, अगर अच्छा रिस्पांस रहा तो नेक्स्ट पार्ट में आपको इस बाबा का दिखाऊंगा जो बर्फ की गुफा में रहते थे ये बाबा। सो मुझे तो यकीन नहीं होता कि
ऐसे भी यानी कि लोग होते हैं जिनकी जो भगवान की कृपा होती है इनके ऊपर, जो इस बाबा के ऊपर भगवान की कृपा थी, शिव की कृपा थी। वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भोलेनाथ।